हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन द स्क्रीन कैर आई डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम डी एक्साइड्स फ्रॉम लेवल एन मतलब जहां से कूद रहा है वो एन टू होता है तो एन टू है एन के बराबर टू तो लेवल एन माइनस वन तो एन वन है एन माइनस वन के बराबर ठीक है also show that for large values of n this frequency equals to classical frequency of revolution of electron ठीक है तो चलो second part अपन बाद में करते हैं पहले अपन first part पे आते हैं अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा आपको फ्रीक्वेंसी का formula याद होना चाहिए ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेसिड जिसको फॉर्मले याद है उसी से बनेंगे न्यूमैरिकल और डेरवेशन नहीं तो फिर नहीं बनेगा ठीक जब मैं ट्वेल्थ में था तो मैं अपने ऐसे हाथों में लिख के ले गया था उस समय ऐसा कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं चलता रहा चेकिंग क्योंकि मेरी याददाश्त कमजोर है मेरे को फॉर्मूला याद नहीं होते ठीक है बट आप ऐसा काम मत करना इट इज रियली डेंजरस चलो ठीक है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एम अब दूसरा आपका आ गया जेड स्क्वायर ई का पावर और अपॉन एट एप्सिलॉन ऑन नॉट स्क्वायर एच क्यूब ब्रैकेट में वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर कई बुक्स में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वहां पे के दिया रहता है है ना के टर्म्स के टर्म्स मैंने के के टर्म्स में नहीं लिया के मतलब फोर पाई सलाट है ना प्रपोशनैलिटी कौन में तो मैंने उसके टर्म्स में नहीं लिया अब देखो भाई मैंने कहा गिर कहाँ से रहा है गिर रहा है एन से तो एन टू कितना हो गया एन कहाँ गिर रहा है एन वन में एन वन किसके बराबर है एन माइनस वन पुट कर दे वैल्यू एफ इज इक्वल टू एम जेड स्क्वायर अच्छा एक मिनट एटम कौन सा है हाइड्रोजन तो जेड कितना हो जाएगा वन ठीक है चलो अभी मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट में मैं जेड को हटा दूंगा ई e का पावर फोर अपॉन एट एपसाइल नॉट स्क्वायर एच क्यूब ब्रैकेट में वन अपॉन एन वन कितना दिया है बेटा एन माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एन टू कितना दिया है एन के बराबर ठीक है आगे बढ़ते हैं एफ इज इक्वल टू अब हमें जेड हटा दी देखिए जेड को वन पुट कर दिया तो हट गया ई e का पावर फोर अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एच क्यूब ब्रैकेट में एलसीएम लो यहाँ पे एन स्क्वायर होगा सॉरी एलसीएम आएगा एन स्क्वायर एन टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर हाँ ध्यान रखना हमेशा पिछला स्टेप देख के ही अगला स्टेप लेते हैं ठीक है मैंने यहाँ पे देखो मैं पिछला स्टेप नहीं देखा मैंने अपने हिसाब से किया तो मैं खा गया तो ऐसा आपको वहाँ पे मतलब ये गलती नहीं करनी है तो ये कटा ही आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर ठीक अब आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी एफ विल इक्वल टू एम e का पावर फोर अपॉन एट एप्स आई लॉन नॉट ई स्क्वाच क्यूब ब्रैकेट में एन माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी ठीक है डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इन टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर इतना आ गया अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ ठीक है थोड़ा यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ मुश्किलों में है ये तल मेरा। हाँ अब देखो आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी एफ विल बी इक्वल टू ये आपके आ गया एम ई e का पावर फोर अपॉन एट एपसाइलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब ब्रैकेट में अब ब्रैकेट खोलो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर ठीक ये दिख रहा है ना आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी एफ विल बी इक्वल टू एम ई का पावर फोर एट एपसाइल ऑट स्क्वायर एच का क्यूब देखो एन स्क्वायर एन स्क्वायर कैंसिल ऊपर बचा टू एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर एन टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला आ गया अब कह रहा है ऑल्सो शो दैट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन अब एन बहुत बड़ा हो गया तो अगर एन बहुत बड़ा हो जाएगा तो जो टू एन माइनस वन है कान में कुछ हो गया तो अगर एन बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा तो जो टू एन माइनस वन है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा एन के बराबर तो आप लिख सकते हो इफ एन इज वेरी वेरी लार्ज तो टू एन माइनस वन कैन बी टेकन ऑलमोस्ट इक्वल टू टू एन वन का तो मतलब है नहीं सिमिलरली एन माइनस वन कैन बी टेकन ऑलमोस्ट इक्वल टू एन वन तो बहुत छोटा हो जाएगा उसके सामने अब आप वैल्यू पुट कर दो क्या फॉर्मला आएगा देखो फॉर्मला आएगा एम ई e का पावर फोर अपॉन एट नॉट स्क्वायर एच क्यूब ब्रैकेट में टू एन माइनस वन हो गया टू एन ये हो गया एन स्क्वायर सिमिलरली एन ये भी हो गया एन स्क्वायर है ना तो आपका फॉर्मूला आ गया एफ विल बी इक्वल टू दिख रहा है मेरी फोटो तो नहीं आ रही हाँ एफ विल बी इक्वल टू एम ई का पावर फोर देखो टू से ये कटा यहाँ बचा ये एन सी तो ऊपर इतना ही बचेगा नीचे बचेगा ये बचा फोर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब और एन ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया अब इसको आपको शो करना है कि ये क्लासिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर है ठीक ये अपना लास्ट है, ठीक अब यहाँ पे मिलते क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। क्या होता है क्लासिकल कंसेप्ट में क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक सर्कुलर के के घूमता है न्यूक्लियस ऑर्बिट में और इस प्रकार से घूमता है कि जो है, जो सर्कुलर ऑर्बिट है, है है उसका ना तो आपका फॉर्मुला आ जाएगा फ्रीक्वेंसी विल इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट टू बाई अब मुझे इस फॉर्मूले को इसके बराबर दिखाना ये जो आपका आ गया एम ई फोर शायद आपको दिख रहा होगा एम ई फोर अपॉन फोर एप्स ठीक है अच्छा अब इसके लिए आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला जेड ई स्क्वा स्क्वायर अपॉन टू एच एपसाइल नॉट एन ठीक अपॉन टू एच नॉट एन ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया इन टू टू पाई अब आपको रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एपसाइल नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर तो ये हो गया एन स्क्वायर जेड स्क्वायर एपसाइल नॉट अच्छा जो अपॉन में है मैं उसको ऊपर भेज देता हूँ ठीक है पाई एम जेड ई स्क्वायर को मैं ऊपर भेज देता हूँ इन टू पाई एम जेड ई स्क्वायर ये नीचे था तो ये डिनोमिनेटर तो ऊपर चला गया ठीक है अच्छा अब z की वैल्यू तो वन है तो z को रखने का तो मतलब है नहीं तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा f विल बी इक्वल टू z को आप हटा दो ठीक है e इन टू ई कितना हो गया e देखो ये m मिल गया m मिल गया देखो ये पाई और ये पाई कैंसल कैंसल हो गया z आपका वन हो गया तो आपको m मिल गया e का पावर फोर मिल गया अपॉन ये देखो टू तू, टू सा कितना हो गया फोर मिल गया मेरे को इस फॉर्मूले के बराबर लाना है ठीक है ये देखो ये फॉर्मुला माउस उस मेरा ओमफो हो गया यार एकदम ओमफो होता है कि फोमो होता है मेरे को तो ओमफो लगता है देखो यहाँ पे ये फोर हो गया अब ये एच इन टू एच स्क्वायर हो गया एच क्यूब और एप्सिलॉन नॉट और इन टू एपसाइलो नॉट हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच इन टू एच है और क्या बचा एन स्क्वायर इंटू एन ये हो गया एन क्यूब आ गया आपका फॉर्मूला ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है खत्म प्रूफ कर दिया आपने सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई होप इट इज क्लियर टू बहुत ईजी है जिसको फार्मूला रटा है उसी से बनेगा जिसको नहीं रटा उसको पाप पड़ेगा अब जो ना रटेगा भी तो समझ लो हालत खराब है तुम्हारी चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्लीज डोंट डू वट आई हैव डन